लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं और आपकी एरर प्रोपगेशन क्या होती है। तो बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो अदर टाइप्स ऑफ एरर्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है वो क्या क्या होती हैं और हम उनको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, ठीक है। तो ये एरर क्या कहाँ से आती है, एक्सटर्नल फैक्टर से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर इसका एक एग्जाम्पल लें, सपोज अगर आप ओम्स लॉ कर रहे हैं, ठीक है, सपोज आप ओम्स लॉ कर रहे हैं, ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम एक कंडक्टर लेते हैं और उस कंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं जो कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है और फिर आप मेजरमेंट करते हैं करंट की। तो आपने एक वोल्टेज दिया और उसके बाद आपने करंट को मेजर किया, तो इस तरह से आप ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं बाय प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ वी एंड आई, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज द करंट। तो उस केस में अगर आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं दे रहा, फॉर अ गिवन रीडिंग हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट रखना पड़ता है हमें, तो अगर वो कांस्टेंट नहीं दे रहा, सो देयर इज सम फ्लक्चुएशन इन द वोल्टेज, तो उस केस में जो एरर आएगा वी कैन से दैट एरर इज ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर। तो अब हमें पता है कि वो जो फ्लक्चुएशन है कहाँ से आ रही है, अगर हमें वो फैक्टर पता है, अगर वो फैक्टर्स हम नोट डाउन करते रहें, तो उस केस में हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण जो एरर है उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय हैविंग सम करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो एक्सटर्नल फैक्टर पर से कारण जो एरर आती है उसको बोलते हैं एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज अगर आप टेम्परेचर, आपका कोई एक्सपेरिमेंट है और उसमें टेम्परेचर को हमें मेंटेन करके रखना है, मतलब टेम्परेचर को आप कॉन्स्टेंट रखना चाहते हैं और उस टेम्परेचर पर आपकी कुछ ऑब्जर्वेशन डिपेंड करती है। अब मान लो कि अगर आपका टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, आप रखना चाहते हो 20 डिग्री सेल्सियस पर कभी वो 22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कभी वो 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन आती है बच्चों वो गलत आती है, जो आनी चाहिए उससे अलग आती है, तो दैट एरर इज आल्सो ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर। देन वी हैव इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब क्या है बच्चों, कभी भी हम जब कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उस केस में हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट है अगर उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो तो उसके कारण हमारी जो मेजरमेंट होती है वो गलत आती है। अगर हम वर्नियर कैलिपर लें और उसमें अगर कुछ फॉल्ट आ जाए, सपोज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो उस केस में जो रीडिंग आएगी दैट मे बी इनकरेक्ट। बट इसमें फायदा क्या होता है बच्चों, इंस्ट्रूमेंटल एरर में आपकी जो एरर आती है ना उसका एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है, तो इस केस में इट हैज अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एरर का। तो जो फिक्स्ड मैग्नीट्यूड की एरर है, तो ये जो फिक्स्ड मैग्नीट्यूड आपने निकाला इसको अगर आप अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग रीडिंग में एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द एक्चुअल वैल्यू, तो दिस एरर कैन बी करेक्टेड विद क्वाइट इजीली, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर में अगर एक एग्जांपल लें तो देयर इज अ जीरो एरर। तो जीरो एरर में क्या होता है, आपका जो मेन स्केल होता है और वर्नियर स्केल होता है उनके जीरोस कोइंसाइड नहीं करते, जिसके कारण वो एरर आता है, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये आपको समझ आ गया व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट एरर। लास्ट बच्चों आपका पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब क्या है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। चलो आप और आपका एक फ्रेंड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, आपको टाइम पीरियड मेजर करना है पेंडुलम का, ठीक है। तो पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर करना है तो उसका ट्रू वैल्यू क्या है, मान लो 1.5 सेकंड, मतलब 1.5 सेकंड उसका टाइम पीरियड है, पर आपका आता है 1.7 सेकंड, आपके दोस्त का आता है 1.3 सेकंड। तो उस केस में आप सेम चीज मेजर करते हैं बट आपके रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं, मैं करता हूं और आप करते हैं, हमारे रिजल्ट मे बी डिफरेंट, तो इसको बोलते हैं पर्सनल एरर। तो जो पर्सनल एरर को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है, वी टेक न्यूमरस ऑब्जर्वेशन, हम ढेर सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं और फिर हम उनका एवरेज ले लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एवरेजिंग, ठीक है। तो एवरेजिंग से वी कैन रिमूव और वी कैन से ड्रास्टिकली रिड्यूस पर्सनल एरर, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं विद एवरेजिंग। और बच्चों नीट में जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपका पर्सनल एरर से रिलेटेड आएगा, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन दे देंगे और आपको वहां से एवरेज आउट कर चीजें निकालनी पड़ेंगी, अभी उसको डिस्कस करते हैं, ओके। तो पर्सनल एरर को रिमूव करने के लिए हमें एवरेजिंग की टेक्निक यूज करनी है। तो सपोज हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने कुछ ऑब्जर्वेशन ली है,
तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। सपोज हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, हमने एन ऑब्जर्वेशंस ली, सो देयर आर एन ऑब्जर्वेशन ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन, सो देयर आर एन ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका एवरेज निकालते हैं। तो इनका एवरेज अगर हम निकालें सपोज उसको मैं नाम दे देता हूं ए मीन, सो दैट विल बी ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो इसको समीशन में भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं समीशन I vary from 1 to n AI divided by n, so that is called a mean। ठीक है, हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उनका जो मीन है वही है। अब इस मीन में क्या एरर, उसको निकालने के लिए हम एक और कंसेप्ट लगाते हैं जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पे क्या होता है बच्चों, आपने देखना है कि जो आपका मीन है और आपकी जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है उनके बीच में कितनी डेविएशन है, मतलब वो कितना दूर है एक दूसरे से। तो उसको निकालने का तरीका क्या है एब्सोल्यूट एरर का। अगर हम A1 की बात करें, A1 में कितनी एब्सोल्यूट एरर है, तो वो हो जाएगी आपकी A1 माइनस A मीन, एंड वी विल टेक द मॉडुलस ऑफ दिस, तो ये बन गया आपका एब्सोल्यूट एरर। ओके, सिमिलरली ए टू माइनस ए मीन, ये आपका हो गया सेकंड ऑब्जर्वेशन में। सिमिलरली ए एन माइनस ए मीन, ठीक है, इसका मॉडुलस, सो दैट इज योर एब्सोल्यूट एरर इन ए एन। तो नेक्स्ट एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन Absolute error। बच्चों मीन एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एब्सोल्यूट एरर्स आई हैं उन सभी का मीन ले लेते हैं। सो देयर आर एन टर्म्स, तो उनका मीन ले लेंगे, और इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा ए मीन। इसको ऐसा लिख देते हैं डेल्टा ए मीन, दैट विल बी इक्वल्स टू ए वन माइनस ए मीन प्लस ए टू माइनस ए मीन एंड सो एंड सो फॉर्थ ए एन माइनस ए मीन डिवाइडेड बाय योर एन। अब इस चीज को कैसे समीशन नोटेशन में कैसे लिखें, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए आई माइनस ए मीन डिवाइडेड बाय एन, वेयर आई वेरिंग फ्रॉम वन टू। सो बच्चों दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर, सो दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर, और आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो कहां से कहां तक लाई करेगी, दैट विल बी फ्रॉम ए एम माइनस डेल्टा ए मीन टू ए एम प्लस डेल्टा ए मीन, दैट विल बी योर ऑब्जर्वेशन, मतलब आपकी जो रिजल्ट होगा उसमें कितनी एरर होगी डेल्टा ए मीन, दैट विल द मैक्सिमम एरर इन द ए मीन। तो यहां से हमको पता चल गया है कि इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। बच्चों रिलेटिव एरर क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। ओके, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें हम 100 से, तो ये बन जाता है परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर विल बी डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि आपको ऑब्जर्वेशन दी होंगी, पहले हम मीन निकालेंगे, मीन के बाद हम डेविएशन निकालेंगे जो कि आपके एब्सोल्यूट एरर्स हैं, फिर हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, और उसके बाद हम रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो ये आपका बेसिक जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनता है। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए।
तो यहां पर हमको पांच ऑब्जर्वेशन गिवन है और हमें निकालना है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ओके, तो ऑब्जर्वेशन हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम निकालते हैं मीन। तो इसका मीन निकाल लेते हैं। सो ए मीन विल बी योर 1.10 प्लस 1.12 प्लस 1.08 प्लस 1.11 प्लस 1.09 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा हमारा 1.10, 1.10। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारा बनेगा, न्यूमरेटर विल बी 5 टाइम्स 1.10 डिवाइडेड बाय 5, सो इट कम्स आउट टू बी 1.10। आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गया मीन। सो दिस इज योर ए मीन। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। तो पहले वाले में देख लेते हैं एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, इसको मैं डेल्टा ए वन बोल देता हूँ। सो दैट विल बी मॉडुलस ऑफ 1.10 माइनस 1.10, दैट कम्स अप टू बी 0। सिमिलरली डेल्टा ए टू, दैट विल बी 1.12 माइनस 1.10, और ये आपका आ जाएगा 0.02। एंड डेल्टा ए थ्री 1.08 माइनस 1.10, सो दैट कम्स आउट टू बी 0.02। एंड देन डेल्टा ए फोर विल बी योर 1.11 माइनस 1.10, सो इट विल बी 0.01। एंड डेल्टा ए फाइव विल बी 1.09 माइनस 1.10, सो इट विल बी 0.01। तो अब हमें क्या निकालना है, अभी निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपको यह डेल्टा ए, इसको एम लिख देते हैं, सो इट विल बी दिस, इन सभी को ऐड कर देते हैं। तो 0 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0, सॉरी यहां पे 0.2 है, यहां पर भी 0.2 है, प्लस 0.1 प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना हो गया 4.56, 0.06 डिवाइडेड बाय 5, सो इट कम्स आउट टू बी 0.012। ओके, तो एक्चुअली अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं। डिवीजन में जब भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे 0.06 है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। तो अब देखते हैं रिलेटिव एरर क्या होगा। तो रिलेटिव एरर क्या होगा वो निकाल लेते हैं। डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, सो दैट विल बी 0.012 डिवाइडेड बाय योर ए मीन, दैट इज 1.1। ओके, सो बाय सॉल्विंग दिस व्हाट विल हैव, हमें मिल जाएगा, इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, तो इट विल बी 1.2 डिवाइडेड बाय 1.1 इनटू 10 रेज टू द माइनस 2, सो इट विल बी 1.09 10 रेज टू द माइनस 2। अब इसको हम कर देते हैं राउंड ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस, तो ये बन गया आपका 1.1 इंटू 10 रेज टू द माइनस 2। सो बच्चों दिस इज योर रिलेटिव एरर। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो आपको मिल जाएगी परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर विल बी 1.1%। ओके, तो इस तरह से आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। तो जो वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें बच्चों, तो वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, देयर आर टू जॉज, ये आपका जॉ है, ठीक है, दिस इज आल्सो जॉ, और इसको बोलते हैं बच्चों ये आपका मेन स्केल है, छोटा स्केल नजर आ रहा है, दिस इज योर वर्नियर स्केल,
तो अगर नॉर्मली हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसका मेन पर्पस क्या होता है, ये हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं, हम डेप्थ मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो सपोज अगर मैं एक सिलेंडर लेता हूँ और मुझे उसका डायमीटर मेजर करना है, तो मैं इस तरह से अपना जो सिलेंडर है उसको जॉज के बीच में फिक्स कर सकता हूँ और फिर हम यहाँ पर कुछ रीडिंग्स लेते हैं। तो नॉर्मली हम रीडिंग कैसे लेते हैं इस केस में वो देख लेते हैं। और अगर आपको देखना है प्रैक्टिकली कैसा दिखता है, तो बच्चों वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह से दिख रहा है आपका। तो यहाँ पर ये जॉज हो गई है, ठीक है। तो दिस लॉन्ग वन इज योर मेन स्केल एंड द स्मॉल वन इज योर वर्नियर स्केल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इस तरह से फिक्स कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर रीडिंग कैसे लेते हैं वो देख रहे हैं। तो बच्चों नॉर्मली क्या होता है कि जो डिवीजन होती है वर्नियर स्केल में, उसकी जो लेंथ होती है एक डिवीजन की वो छोटी होती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज लेस देन वन मेन स्केल डिवीजन। नॉर्मली हमारा जो मेन स्केल होता है वहां पर एक डिवीजन 1 mm की होती है, और जो वर्नियर स्केल होता है वहां पर एक डिवीजन 1 mm से छोटी होती है। तो यहां पर अगर हम लीस्ट काउंट की बात करते हैं, तो लीस्ट काउंट आपका आता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब इसको देखेंगे कहां से आता है। और आपकी जो रीडिंग आती है बच्चों कैसे लेते हैं रीडिंग, देखो एक सिंपल सा केस लेते हैं, यहां पर देखते हैं, ठीक है। सपोज ये हमको दिया हुआ है, देयर आर 10 डिवीजन इन द वर्नियर स्केल, और आपका एक डिवीजन जो आपका जो एक डिवीजन है मेन स्केल में वो 1 mm का है। तो अब आप देखो कि जो वर्नियर स्केल आपने इसको इसमें फिक्स कर दिया है, अपना जो स्पेसिमेन है जिसका हमें डायमीटर निकालना है, तो वर्नियर स्केल का 0 उसके जस्ट लेफ्ट में देखो कौन सी डिवीजन आ रही है, उसके लेफ्ट में हमारे पास ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, तो 4 आ रहा है। सो देयर आर 4 मेन स्केल डिवीजंस। तो यहां पर हमारे पास जो रीडिंग होगी, रीडिंग कैसे लिखते हैं, योर मेन स्केल रीडिंग, तो ये हमारी मेन स्केल रीडिंग क्या आ जाएगी बच्चों, 4 mm प्लस। अब आप देखो इसमें आपका जो वर्नियर स्केल है उसका कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। मेन स्केल के साथ आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो 7th है वो 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो यहां पे आप लिखो 7 टाइम्स योर लीस्ट काउंट, ओके। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्पेसिफिक By putting the values here. Main scale reading, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास main scale reading आपकी है 4 millimeter plus 7, और least count अगर मैं बोलूँ तो आपको बोल देते हैं suppose कि आपकी इस तरह से आपको दिया होगा कि 10 division of main scale coincides with 9 division ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया यहां पर, 9 लिख देता हूं, 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहां से अगर इसको देखें, ये सपोज आपको दिया हुआ है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो जाएगा। हमने जस्ट उसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। और मेन स्केल डिवीजन कितना है हमारा, एक डिवीजन आपका 1 mm का है, तो ये हो जाएगा 9/10 मिलीमीटर। और यहां से आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा योर 1 mm, मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm माइनस 9/10 mm, सो इट कम्स आउट टू बी 1/10 मिलीमीटर। सो दिस इज योर लीस्ट काउंट, तो यहां पर पुट कर देते हैं 1/10 मिलीमीटर, और ये कितना हो गया 0.7, तो इट विल बी 4.7 मिलीमीटर। तो हमारी रीडिंग कहां से आ जाएगी, 4.7। अब हम देखते हैं कि इसी तरह से हमारी रीडिंग कैसे कैलकुलेट होती है, एक एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पे सपोज आपका जो स्पेसिमेन है वो कुछ इस तरह से है,
ठीक है, हमें सपोज इसकी लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालें? देखो अब इसकी लेंथ क्या होगी, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और यहां तक जा रहा है, और इसको मैं बोल देता हूं यहां से लेकर यहां तक, जहां से आपका वर्नियर स्केल स्टार्ट हो रहा है और टू जो मार्किंग आपको नजर आ रही है इनके बीच में जो गैप है, इस गैप को मैं बोल देता हूँ कि एक्स के बराबर। तो हमारे स्पेसिमेन की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा इट विल बी टू प्लस एक्स। सो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, टू प्लस एक्स। सो लेंथ विल बी टू प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, टू प्लस एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अब देखो यहाँ पर वर्नियर स्केल में जो थर्ड डिविजन है वो कॉन्साइड कर रहा है फाइव के साथ, बाकी नहीं कर रहे हैं, तो ये फाइव कॉन्साइड कर रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, फाइव माइनस थ्री वर्नियर स्केल डिविजन, फाइव माइनस थ्री वर्नियर स्केल डिविजन, तब भी आपको टू प्लस एक्स मिलेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू फाइव माइनस थ्री वर्नियर स्केल डिविजन, ओके। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, फाइव को क्या लिख सकते हैं, टू प्लस थ्री मेन स्केल डिविजन माइनस थ्री वर्नियर स्केल डिविजन, ठीक है ना। फाइव क्या है, फाइव का मतलब फाइव मिलीमीटर, फाइव मिलीमीटर का मतलब फाइव मेन स्केल डिविजन, तो इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, तो ये आपको मिला टू प्लस थ्री टाइम्स मेन स्केल डिविजन माइनस वर्नियर स्केल डिविजन, और ये जो क्वांटिटी आपकी आई है इसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट डायमीटर्स लेंथ ऑफ द स्पेसिमेंस विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, ओके। तो जो नेक्स्ट इसमें एक जीरो एरर का भी कंसेप्ट होता है तो वो भी देखते हैं, ओके। तो अब हम बात करेंगे जीरो एरर्स पर, और बच्चों जीरो एरर कब आता है, जब देयर इज अ सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो अगर आप यहां पर देखें, अगर मैंने दोनों जॉज को आपस में जोड़ दिया, मतलब मैंने यहां पर इसको क्लियर ले आया, यहां पे जॉ दिखा सकता हूं मैं इस तरह से, ये जो आपको इस तरह से और यहां पर इस तरह से, तो अगर मैंने इनके जॉज को आपस में जोड़ दिया है तो आप देख सकते हैं कि जो जीरो है वर्नियर स्केल का और जो जीरो है मेन स्केल का वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो व्हेन दिस फिनोमेना अराइजेस तब हम कहते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर आ गया है। और इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के राइट में है, और यहाँ पर जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है। तो इन दोनों केसेस में हम जीरो एरर को कैसे अकाउंट में लें ताकि हम एक्चुअल रीडिंग हम निकाल सकें। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो जीरो एरर है उसको हम इस जैसे इस वाले केस में देखें, देयर इज ऑलरेडी सम रीडिंग, इसमें कुछ ऑलरेडी रीडिंग आ रही है, तो आपको यहाँ पे जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। चलो देखते हैं, तो पहले केस में देखते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमारी जो है एक दो तीन चार पांच जो फोर्थ डिवीजन है वर्नियर स्केल की वो कॉन्साइड कर रही है मेन स्केल के साथ। तो सबसे पहले तो लीस्ट काउंट देख लेते हैं, यहां पर मान लो लीस्ट काउंट आपका क्या है 0.1 मिलीमीटर, जो पहले हमने देखा था अभी। तो इस केस में क्या होगा, जीरो एरर विल बी, अब देखो वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट में क्या है, जीरो ही है, तो आपका यहां पर आएगा जीरो mm प्लस लीस्ट काउंट कितना है हमारा 0.1 मिलीमीटर टाइम्स 1 2 3 4 फोर वर्नियर स्केल डिवीजन जो कि कोइंसाइड कर रही है, तो यहां से आपका जो जीरो एरर आया है दैट इज 0.4 मिलीमीटर। तो आपने क्या करना है, इतनी लेंथ ऑलरेडी यहां पर आ रही है तो आप कोई भी रीडिंग मेजर करोगे उस रीडिंग में इतना आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो एक्चुअल होगा वो क्या होगा, यहां पर लिख देता हूं मेजर माइनस जीरो एरर, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्चुअल वेल रीडिंग निकाल सकते हैं बाय एकोमोडेटिंग इनकॉर्पोरेटिंग दिस जीरो एरर। अब इस वाले केस में देखो, जब आपका जीरो वर्नियर स्केल का लेफ्ट साइड पर होता है, तो बच्चों नॉर्मली क्या होता है, देखो जब अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं तो अगर यहां पर जीरो है तो उसके यहां पर माइनस वन होगा, तो आप कह सकते हैं कि यहां पे जो वर्नियर स्केल है उसके लेफ्ट में कौन सा
डिवीजन होगा माइनस वन होगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इस केस में जीरो एरर क्या होगा, दैट विल बी माइनस वन एम एम प्लस, इसमें मैंने दिखा दिया है कौन सी डिवीजन कौन साइड कर रही है, वन टू थ्री फोर फाइव, तो इसमें फिफ्थ डिवीजन कौन साइड कर रही है, फाइव इनटू लिस्ट काउंट है आपका 0.1 मिलीमीटर। तो यहां से हमको क्या मिला, माइनस वन प्लस 0.5, ठीक है, सो इट कम्स आउट टू बी योर माइनस 0.5 मिलीमीटर। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आप सेम वैल्यू यहां पुट करोगे, बट यहां पर जो जीरो एरर है दैट विल बी नेगेटिव, तो यहां पर प्लस का साइन आ जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से जीरो एरर को हमें इनकॉर्पोरेट करना है अपनी रीडिंग में, ताकि हमें एक्चुअल वैल्यू मिल पाए, ना कि मेजर्ड वैल्यू जो कि गलत है, बिकॉज देयर इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज योर स्क्रू गेज, और स्क्रू गेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास, दिस इज योर फिक्स्ड फ्रेम, ओके, तो ये फिक्स्ड है आपका बच्चों, ये जो है आपका आपका फिक्स्ड जॉ है, और ये जो है आपका मूवेबल जॉ है, एंड दिस वन इज योर मेन स्केल, और बच्चों इसको बोलते हैं थिंबल। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम थिंबल को रोटेट करते हैं, सपोज मैंने इसको इस तरह से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो जब थिंबल को हम रोटेट करते हैं तो थिंबल आपका आगे को मूव करता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में जो थिंबल कितना मूव करता है, बाय वन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर ये 1 मिलीमीटर का है तो आपका जो थिंबल है 1 मिलीमीटर आगे मूव करता है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इन वन रोटेशन ऑफ थिंबल इट मूव्स बाय 1 मिलीमीटर अलोंग द मेन स्केल। तो मेन स्केल के अलोंग मूव करता है बाय 1 मिलीमीटर। तो इसमें क्या होगा, आप कह सकते हैं कि सपोज देर आर 100 डिवीजन, तो मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेट देर आर 100 डिवीजन, इसको आप सर्कुलर स्केल भी बोल सकते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। सो लेट अस से देर आर 100 डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, तो इस केस में आप कह सकते हैं कि अगर 100 डिविजन वो घूमता है, ठीक है, अगर 100 डिविजन हमारी कवर होती हैं एक रोटेशन में, तो उस केस में आपका जो थिंबल है 1 mm आगे मूव करता है, तो आप कह सकते हैं कि 1 मिलीमीटर जो डिस्टेंस है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 100 डिविजन्स, ओके, तो 100 डिविजन के कॉरस्पॉन्ड कौन सा कितना यूनिट है, 1 मिलीमीटर है। तो अगर हम एक डिवीजन की बात करें तो एक डिवीजन कितना डिस्टेंस मेजर कर सकता है, सो वन डिवीजन कैन मेजर 1/100 मिलीमीटर। तो एक डिवीजन जितना मेजर करेगा बच्चों उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। तो यहां पर जो आपका लीस्ट काउंट आया दैट कम्स आउट टू बी 0.01 मिलीमीटर। और इसमें मेजरमेंट कैसे करते हैं बच्चों, रीडिंग कैसे लेते हैं, तो आपने क्या करना है, सपोज यहां पर जो रीडिंग है आपकी दिस वन इज 35, ठीक है, तो यहां पर 35 आ गया, तो इसकी रीडिंग क्या होगी, सेम वैसे ही लिखना है आपने, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो ये जो लाइन है
इस लाइन के साथ कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है आपको वो चेक करना है। जैसे कि यहाँ पे 35 कर रही है तो हम निकाल सकते हैं रीडिंग क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग देखो इस लाइन के लेफ्ट में कौन सा है, ये वाला आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तो 7 mm प्लस 0.01 इनटू 35, सो इट कम्स आउट टू बी 7.35 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम स्क्रू गेज के कारण किसी भी स्पेसिमेन की थिकनेस निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारा स्पेसिमेन है, इट कैन बी अ शीट, तो नॉर्मली जो हमारी थिन शीट्स होती हैं उनकी थिकनेस निकालने के लिए, या बहुत ही थिन वायर है हमें उसका डायमीटर निकालना है, इन दैट केस वी कैन यूज स्क्रू गेज। इसके यूजेस कहां पर है, थिकनेस ऑफ थिन शीट्स और डायमीटर ऑफ थिन वायर्स, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम अपने थिंबल को रोटेट करते हैं, थिंबल को हमने रोटेट किया और जहां पर आपका मूवेबल जॉ स्पेसिमिन के कांटेक्ट में आता है, और स्पेसिमिन तो आपका ऑलरेडी फिक्स जॉ के कांटेक्ट में है, तो यहां पर ये लॉक हो जाता है एंड देन यू कैन नोट डाउन द रीडिंग। तो इस तरह से हम अपना सर्कुलर स्केल रीडिंग निकाल लेते हैं। मेन स्केल रीडिंग आपको पता चल जाएगा जस्ट इसके लेफ्ट में कौन सी होती है वो ले लेना है। तो यहाँ पे 7 दिख रहा है आपको, तो दिस इज 7। ओके, सो विद दिस वी कैन कैलकुलेट। और ये लीस्ट काउंट निकालने का तरीका क्या है, आपने लीस्ट काउंट आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं, लीस्ट काउंट विल बी योर मेन स्केल डिवीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ओके, तो ये हो गया बच्चों। इसमें भी जीरो एरर होता है, अभी वो देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब देखते हैं हम जीरो एरर के बारे में। तो यहाँ पे हम जीरो एरर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे जॉस के बीच में देर इज नो स्पेसिमेन, कोई स्पेसिमेन नहीं है, स्टिल आपके यहाँ पर कुछ रीडिंग आ रही है। अब आप इस लाइन को देखो, इस लाइन के लेफ्ट में आपको 1 नजर आ रहा है, तो ड्यू टू दिस देर विल बी सम जीरो एरर। अब वो एरर क्या होगी देख लेते हैं। तो जीरो एरर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग दैट इज 1 मिलीमीटर, मान लेते हैं कि इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 मिलीमीटर प्लस लीस्ट काउंट इज 0.01 मिलीमीटर टाइम्स सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कॉन्साइड कर रही है इस सेंट्रल लाइन को, सेंट्रल लाइन के साथ 5 कॉन्साइड कर रहा है, तो यहाँ पर 5 लगा दो, सो वी हैव 1 प्लस 0.05 दैट इज 1.05 मिलीमीटर। तो बच्चों दिस इज योर जीरो एरर इन दिस पर्टिकुलर केस। तो ये अगर हमें एक्चुअल निकालना है, तो अगर सपोज हमने इसको यूज किया इस स्पेसिमेन की लेंथ को मेजर या थिकनेस को मेजर करने के लिए, तो यहाँ पर आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी जो निकालना चाहते हैं दैट विल बी मेजर्ड वैल्यू माइनस जीरो एरर। तो इस तरह से हम जीरो एरर को इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ एरर्स को, और अगर किसी को कोई डाउट है इस वीडियो लेक्चर में, दे कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कीप ऑन मेकिंग सच एजुकेशनल वीडियोज। थैंक यू।